हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पकवान। आज हम बनाने वाले हैं माता के भोग के लिए सूखे मसालेदार काले चने, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये काफ़ी स्वादिष्ट भी लगते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यह मैंने 250 ग्राम चने लिए हैं, इसे मैंने रात भर भिगो कर रखा था। अब हम इसे उबाल लेंगे। हम इसे कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसमें एक गिलास पानी डाल देंगे। इसे दो सीटी आने तक हमें उबालना है। इसमें लगभग 10 मिनट का समय लगेगा। छोले उबल कर तैयार हो चुके हैं। अब एक बर्तन में 2 चम्मच हरा धनिया डालेंगे, आधी छोटी चम्मच हल्दी डालेंगे, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच हम गरम मसाला डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब इसमें हम पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से मसाले काफ़ी अच्छे से पक जाते हैं। अब एक कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे, इसे गरम कर लेंगे। जब ये अच्छे से गरम हो जाएगा, इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे। अब इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, आधा छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट डालेंगे। अब इन्हें अच्छे से सौटे कर लेंगे। अब इसमें हमने जो मसालों का मिक्सचर बनाया था वो डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे 1.5 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे हम। अब मसाला पक चुका है। इसमें हमने टमाटर पीस कर रखे थे, 2 टमाटर, उन्हें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ढक देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। 4 मिनट बाद अच्छे से पककर तैयार हो चुका है। अब आप देख सकते हैं, अब इसमें हम काले चने मिला लेंगे जो हमने उबाल कर रखे थे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे 3 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। 3 मिनट बाद हम देखेंगे अच्छे से पक चुके हैं और काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अब इसमें 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच चना मसाला, आधा छोटा चम्मच पाव भाजी मसाला। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मसाले डालने से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसमें ताज़ा धनिए की पत्तियाँ डाल देंगे कटी हुई। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। हमारे छोले बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप इस रेसिपी को नवरात्रों में माता के भोग के लिए ज़रूर बनाना। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है और इसे बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। लीजिए दोस्तों, तैयार हो चुकी है हमारी काले चने की रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।